फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का यूट्यूब नहीं चल रहा है, यूट्यूब में वीडियो प्ले नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन के अंदर ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आइए तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब देखिए, इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको अगला काम ये करना है, आपका जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब को आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। तो आपका यूट्यूब का ऐप इन्फो का ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको सिर्फ ना क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में यूट्यूब लिख के सर्च करना है, ठीक है। तो आपका यूट्यूब आएगा, यूट्यूब के सामने देखिए मेरे फोन में अपडेट आ रहा है लिखा हुआ। अगर आपके फोन में भी यूट्यूब के सामने अगर अपडेट का ये बटन आता है, तो इसे अपडेट पे टैप करके यूट्यूब को अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले भी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और Gmail ID का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।